हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनेर शरीफ के तरफ। तो मनेर शरीफ के तरफ हमें थोड़ा कुछ काम भी था, तो और उसे हमें मालूम चला कि वहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा दरगाह है जो घूमने लायक है। तो कभी उसका मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और उस साइड भी मैं कभी नहीं गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर उधर कुछ काम से जा रहा हूँ तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा। और कैसा है उसके बारे में तो सिर्फ मैंने सुना है और वीडियो में फ़ोटो में देखा है, कभी वहाँ पे मैं गया नहीं। तो आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है वहाँ पर जाने के, एक्सप्लोर कर लूँगा और देखने में कैसा है क्या है। तो फ़िलहाल चलते हैं और अभी थोड़ा शाम भी होने वाला है, तो करीब लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है उसकी दूरी। तो हमें थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, और थोड़ा शायद मे भी अंधेरा होने के बाद हमें नहीं दिया जाए। तो देखते हैं, अगर अंदर जाने दिया जाएगा तो मैं अंदर का थोड़ा सा वीडियो शूट करूंगा और दिखाऊंगा कि अंदर में क्या है, कैसा है और क्या क्या चीज़ें देखने को हमको मिलती है। तो अभी फ़िलहाल कैंट एरिया हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 18-19 किलोमीटर है कैंट एरिया से। चलिए, हम लोग अभी मिलिट्री कैंप क्रॉस करने वाले हैं और ये रही मिलिट्री की जो गाड़ी आपको दिख रही होगी, आर्मी वालों की गाड़ी है। तो आर्मी कैंट लगभग हम लोग आर्मी कैंट अभी क्रॉस कर चुके हैं। अरे अचानक से ब्रेकर आ गया भाई। और एक काम करो ना, तुम थोड़ा सा मोबाइल निकाल कर मैप लगाओ। दो मैप निकालो, मैप निकालो। हम तो वैसे चेक किए थे कि अभी कितना दूर जाना है और कैसे जाना है, तो फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। शाम तो हो गया है, फ़िलहाल देखते हैं कि अगर अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है हमें। तभी हम लोग को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है वो तो जाने के बाद ही मालूम चलेगा। तो अभी तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्दी से पहले मनेर दरगाह जो है उसको पहले कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो मैं अपना काम हूँ। हाँ, सिर्फ मनेर शरीफ दरगाह, और उधर से जब मैं लौटूंगा तो वो अपना काम जो वो क्लियर कर लूँगा, क्योंकि उनके घर पे ही जाना है तो घर से उनका सामान लेना है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। वो तो मैं किसी भी टाइम चला जाऊँगा तो वो काम जो मेरा वो हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले चलते हैं मनेर दरगाह। कितना किलोमीटर है? 14 किलोमीटर। तो अभी 14 किलोमीटर बचा हुआ है और हमें, और टाइम कितना हो रहा बताना थोड़ा। टाइम है 40। तो अभी 14 किलोमीटर कवर करना है और 3:40 लगभग 4 बजने वाले हैं, और देखते हैं हम लोग मे भी 20 मिनट में 14 किलोमीटर कवर आसानी से कर लेंगे। अगर 4 बजे भी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो आधा घंटा काफ़ी है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें घूमना नहीं है, बस देखना है कि वो कैसा दिखता है और क्या क्या है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा काफ़ी सुना है मैंने। तो इस साइड कभी आना नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम इत्तेफाक से हम लोगों को इधर का कोई काम मिल गया था, तो हमने सोचा कि चलो आज ही उसे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं। देखना ना मैप में अब कितना किलोमीटर बचा, मैप में देखना कितना किलोमीटर बचा। तो अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और एक बढ़िया सा हाईवे भी मिल गया है, तो अभी पता नहीं कितना, 4 किलोमीटर और है। तो लगभग अभी 4 किलोमीटर और बचा है, तो बस कुछ ही टाइम में अब वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो 4 किलोमीटर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लगभग हम लोग अब मनेर पहुँच चुके हैं और यहाँ से दरगाह जस्ट बगल में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली एरिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लगता है मार्केट का एरिया है, इसके वजह से थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। अभी भी 1 किलोमीटर ही दिखा रहा है, तो गलत रूट पे तो नहीं ना आ गए हैं। क्या यहाँ से मुड़ना है, लेफ्ट या राइट? नहीं यार, इधर नहीं है। तो वो है
गलत आ गए हैं, उधर से रोड था, दूसरा रास्ता से था। इधर से भी होगा ना? नहीं इधर से नहीं है, उधर से जाना है हम लोग को। हम लोग मनेर के अंदर आ चुके हैं, मनेर दरगाह शरीफ के अंदर, और आपको ये पूरा व्यू जो दिख रहा है मेरे पीछे, ये इसका एक लॉबी टाइप बना है, तो इसका क्या यूज़ उस ज़माने में होगा। और यहाँ पे दीवार को भी काफ़ी गंदा कर दिया गया है, देख सकते हैं कि लोग दीवार पर काफ़ी नाम भी लिखे हैं, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है, दीवार पे नाम लिखना जो काफ़ी बुरा चीज़ है। और कुछ इस तरह का मनेर दरगाह जो दिखता है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, काफ़ी बढ़िया सा जगह है। और ये एक और लॉबी टाइप बना है, और इधर सामने नेट लगा है, तो इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, इधर जाने का रास्ता को जो है बंद कर दिया गया है। और यहाँ सामने से मैं दिखाता हूँ, ये जो मेन दरगाह है, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसका पूरा मेन दरगाह ये है, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया सा यहाँ से जो व्यू मिलता है, काफ़ी खूबसूरत व्यू मिलता है, काफ़ी बढ़िया व्यू मिलता है। तो यहाँ कुछ देर बैठते हैं और बैठ के थोड़ी बातें करते हैं आप लोगों से। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ इसका मेन दरगाह, जो ये है मनेर शरीफ का दरगाह, और काफ़ी पुराना डिज़ाइन में इसे बनाया गया है, जैसे लोग पहले बनाते थे किला वगैरह, उसी स्टाइल में भी इसको बनाया गया है। और वो उसका मेन एंट्रेंस गेट है, सामने जो आपको गेट दिख रहा है, और उसी तरह का एक यहाँ पे भी बनाया गया है। तो ये तो मालूम नहीं इस पे कुछ उर्दू में लिखा है, और इस ये किस चीज़ के लिए बनाया गया, और इसमें काफ़ी लोहे की पट्टी भी डाली हुई है, काफ़ी मजबूत तरीके से बनाया गया। और इसका पूरा गार्डन का एरिया है, जो काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है। और अभी तो इधर अंधेरा होने वाला है, तो अभी हम लोग यहाँ से ज़्यादा निकलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा देर हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए, थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट किए हैं, और काफ़ी टाइम भी थोड़ा हो किया है, तो अंधेरा होने वाला है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर जाएंगे घर की ओर, पटना, जो हम लोग लगभग वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर अभी आ चुके हैं। और ऊपर का एरिया आपको दिखा देते हैं, और अभी अंधेरा होने वाला है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब अंधेरा होने वाला है, तो ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम आ गया और दिन छोटा करने लगा है, तो अभी लगभग टाइम कितना हो रहा है बताना थोड़ा, तो अभी 4:40 हो रहा है, तो लगभग 5:30 के आसपास अंधेरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और ये इसका पूरा गार्डन का एरिया है। एक बार ये इसका मेन एंट्रेंस है, जो मैं आपको नहीं दिखाया था, तो एक बार एंट्रेंस से दोबारा मैं इधर अंदर आकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि तो एक बार एंट्रेंस से दिखा देते हैं। अगर एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलता है मनेर दरगाह का। और ये सामने रहा दरगाह, और ये रहा इसका मेन एंट्रेंस गेट, और काफ़ी खूबसूरत सा जगह है। आप भी यहाँ पे थोड़ा आकर घूम सकते हैं फैमिली के साथ, वहाँ पे कुछ बोर्ड लिखा है जिसके बारे में, यहाँ के बारे में कुछ लिखा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं और मिलते हैं बाइक पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, और ये बाहर जाने वाला इसका जो रास्ता है, यही रास्ता मेन गेट है। अगर आप अंदर आना चाहते हैं, तो इसी मेन गेट से अंदर आना पड़ेगा, जो सामने आपको मेन गेट दिख रहा है। और ये रहा कुछ ऐसा व्यू यहाँ से मिलता है इसका, और यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मखदूम शाह दौलत एवं इब्राहिम खान मकबरा। तो फ़िलहाल यहाँ पे बाइक लगी हुई है हमारी, तो बाइक पे भी बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं हम लोग, तो मिलते हैं फिर अब से आगे। तो ये रही हमारी बाइक, तो अभी फ़िलहाल बाइक को स्टार्ट करते हैं और अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आउट एरिया पर हम लोग आ चुके हैं।